हेलो एवरीवन, स्टिच होम के नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लेडीज शर्ट की कटिंग और फोल्डेड कप पर लूप बनाकर स्लीव से अटैच करना सीखा था। आज की इस वीडियो में हम लोग शर्ट का स्टिचिंग सीखेंगे। तो शुरू करते हैं शर्ट की स्टिचिंग। सबसे पहले शर्ट का फ्रंट पैनल का दोनों पार्ट को अलग अलग कर लें। अब 3 इंच का जो बटन एक्सटेंडेड वाला पार्ट है उसका स्टिचिंग करेंगे। अब फ्रंट पैनल का राइट साइड वाले पार्ट को लें और उसे रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखें। और अब सबसे पहले 1 इंच इस तरह से फोल्ड करें, उसके बाद डबल फोल्ड करें 2 इंच तक और उसको ऊपर से नीचे तक स्टिच कर लें। स्टिचिंग यहां पर किनारे से करें। फ्रंट पैनल का राइट साइड का 3 इंच का बटन एक्सटेंडेड पार्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यहाँ पर जो एक्सटेंडेड पार्ट का एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें। अब हम लेफ्ट साइड का बटन एक्सटेंडेड वाले पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। अब फ्रंट पैनल का लेफ्ट साइड का पार्ट को भी लें और इसका भी रॉन्ग साइड ऊपर की ओर रखें। अब शर्ट का लेफ्ट साइड का पार्ट को भी सेम राइट साइड की तरह ही 2 इंच तक इस तरह से फोल्ड कर लें, लेकिन लेफ्ट पार्ट पर हम यहाँ किनारे से स्टिचिंग ना करके हम बाहर की ओर किनारे से 0.25 इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच करेंगे। आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर बाहर की ओर किनारे से 0.25 इंच मार्जिन लेते हुए स्टिच कर रही हूँ। अब इसे टर्न करके राइट साइड ऊपर की ओर कर लें और बटन एक्सटेंडेड वाले पार्ट को भी ऊपर की ओर ले आएं और इसे आयरन के द्वारा सेट कर लें। सेट करने के बाद 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए यहां से स्टिच कर लें। शर्ट की बटन एक्सटेंडेड वाला पार्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। स्टिच करने के बाद इसके दोनों साइड इस तरह से दिखेगा। फ्रंट पार्ट का बटन एक्सटेंडेड वाले पार्ट का स्टिचिंग कंप्लीट होने के बाद बैक पैनल को ले और उसकी डर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट करें। डर्ट के दोनों स्ट्रेट एंड को इस तरह से पकड़ें और स्टिचिंग वाले मार्जिन पॉइंट से होते हुए उसे स्टिच कर लें। सेम तरीके से दूसरे साइड का भी डर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट करें। डर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद शर्ट के दोनों पैनल को शोल्डर से ज्वाइन करें। शोल्डर से ज्वाइन करने के लिए शर्ट के दोनों पैनल को राइट साइड एक दूसरे से फेस करता हुआ रखें और शोल्डर वाले स्टिचिंग मार्जिन से इसे स्टिच कर लें। सेम तरीके से दूसरे शोल्डर का भी स्टिचिंग कंप्लीट करें। अब यह शोल्डर वाला स्टिचिंग मार्जिन वाला फैब्रिक को 1 फोल्ड देकर स्टिच कर लें। शोल्डर यहाँ पर स्टिच करने के बाद शोल्डर की स्टिचिंग इस तरह से दिखेगा। अब शर्ट पर कॉलर अटैच करें। कॉलर अटैच करने के लिए नेक राउंड का मेजरमेंट लें। नेक राउंड का मेजरमेंट के लिए इंची टेप को नेक राउंड से मिलाते हुए नेक राउंड का मेजरमेंट लें। यहाँ पर इतना ध्यान दें कि इंची टेप को नेक राउंड से ठीक से मिलाते हुए मेजरमेंट लें। अगर मेजरमेंट लेने में नेक राउंड कम या ज़्यादा मेजर हो गया तो जब कॉलर नेक राउंड से अटैच होगा तो इसकी फिनिशिंग नहीं आएगी। यहाँ पर कॉलर राउंड का मेजरमेंट 19.6 इंच आया है। अब हम कॉलर का कटिंग करेंगे। कॉलर का कटिंग के लिए पेस्टिंग पेपर को लें। आप चाहें तो बुकरम पेस्टिंग पेपर भी ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पेपर पेस्टिंग ले रही हूँ। बुकरम पेस्टिंग पेपर को एक बार फोल्ड करके डबल लेयर में सेट करें।
यहाँ पर 2.5 इंच पर मार्क करें। यहाँ पर नेक राउंड का हाफ लेकर मार्क करें। जैसे मेरे मेजरमेंट में नेक राउंड 19.6 इंच था तो उसका हाफ 9.75 इंच होगा, तो मैं यहाँ पर 9.75 इंच पर मार्क करूँगी। इस मार्किंग पॉइंट से नीचे की ओर 3 इंच पर मार्क करें। अब 3 इंच वाले मार्किंग पॉइंट से साइड की ओर 1 इंच एक्स्ट्रा लेकर मार्क करें। ऊपर वाले मार्किंग पॉइंट्स को लाइन बनाकर मिला लें। अब साइड में यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स को मिला लें। अब कॉलर का मार्किंग कंप्लीट हो गया है, अब इसे कट कर लें। अब इस पेस्टिंग पेपर को फैब्रिक पर स्टिक करेंगे। यहाँ पर मैंने पेस्टिंग पेपर को कपड़े पर आयरन के द्वारा स्टिक कर लिया है। अब पेस्टिंग पेपर के दोनों साइड हाफ इंच मार्जिन कपड़ा रखते हुए कट कर लें। कॉलर का कटिंग कंप्लीट करने के बाद कॉलर के नीचे के साइड वाला फैब्रिक को फोल्ड करके स्टिच कर लें। देख सकते हैं मैंने कॉलर के नीचे वाला पार्ट जहाँ पर हाफ इंच जो फैब्रिक लिया था उसे स्टिच कर लिया है। अब इसी कॉलर स्ट्रिप के समान एक दूसरा फैब्रिक और लें। दोनों स्ट्रिप को राइट साइड फेस करता हुआ एक दूसरे पर रखें और इसे तीन साइड से स्टिच करके क्लोज करें। आप यहाँ से स्टार्ट करें स्टिचिंग और यहाँ तक इसे स्टिच कर लें। अब स्टिच किए हुए साइड पर जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट कर लें और कॉलर के कॉर्नर पर स्टिचिंग पॉइंट तक कट लगाएं। अब कॉलर को टर्न करके राइट साइड करें और इसके कॉर्नर पर ठीक से सेट करें और कॉलर को आयरन के द्वारा सेट कर लें। कॉलर को आयरन से सेट करने के बाद इसको बीचों बीच से फोल्ड करें और इसके मिडिल पॉइंट पर कट लगाएं। अब शर्ट को लें और शर्ट का भी नेक राउंड का मिडिल पॉइंट पर कट लगाएं। जब कॉलर को नेक राउंड से अटैच करेंगे तो दोनों का मिडिल पॉइंट आपस में मिलाते हुए अटैच करें, इससे कॉलर की फिनिशिंग अच्छी आएगी। अब कॉलर को हम शर्ट से अटैच करेंगे। अब शर्ट का राइट साइड ऊपर की ओर रखें और कॉलर को लें और कॉलर का हाफ इंच वाला स्टिचिंग मार्जिन वाला फैब्रिक नेक राउंड से मिलाते हुए स्टिच करें। अब नेक राउंड वाला स्टिचिंग मार्जिन वाला फैब्रिक कॉलर के अंदर रखें और कॉलर के ऊपर से इसे स्टिच कर लें। कॉलर अटैच करने के बाद 0.25 इंच मार्जिन छोड़ते हुए कॉलर के चारों तरफ स्टिच करें। अब यह कॉलर शर्ट से फिनिशिंग के साथ अटैच हो चुका है। अब हम शर्ट से स्लीव अटैच करेंगे।
यहाँ शर्ट स्लीव से हमने फोल्डेड कप पर लूप बनाया है। इसका स्टिचिंग का वीडियो हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। वीडियो देखने के लिए टॉप राइट कॉर्नर पर क्लिक करें। स्लीव को शर्ट से अटैच करने के लिए शर्ट का राइट साइड ऊपर की ओर रखें। अब स्लीव का भी राइट साइड शर्ट की ओर फेस करता हुआ रखें और दोनों का फ्रंट आर्म होल मैच कराकर स्लीव को हाफ इंच स्टिचिंग मार्जिन से लेते हुए आर्म होल से स्टिच कर लें। स्लीव को आर्म होल से अटैच करने के बाद स्लीव को राइट साइड से एक बार चेक कर ले कि कहीं कपड़े एक्स्ट्रा स्टिच ना हो गया हो। अब आर्म होल का स्टिचिंग मार्जिन वाला फैब्रिक को वन फोल्ड देकर आर्म होल पर स्टिच कर ले। अब यह स्लीव शर्ट से अटैच हो चुका है। सेम प्रोसेस से दूसरी स्लीव भी शर्ट से अटैच कर ली। शर्ट पर आर्म होल का स्टिचिंग इस तरह से दिखेगा। दोनों स्लीव को शर्ट से अटैच करने के बाद शर्ट का जो साइड शेप पर 1 इंच का जो स्टिचिंग मार्जिन हमने लिया था वह साइड शेप से इसे स्टिच कर लें। यहाँ पर मैंने शर्ट का दोनों साइड शेप से स्टिचिंग कम्प्लीट कर लिया है। अब हम शर्ट का बॉटम राउंड फोल्ड करेंगे। बॉटम राउंड को यहाँ पर 2 फोल्ड देकर 1.5 इंच वाला फैब्रिक को फोल्ड करके बॉटम राउंड से स्टिच कर लें। यहाँ साइड शेप पर गोलाई वाले स्पेस पर हल्के हाथों कपड़े को फोल्ड करते हुए स्टिच कर लें। शर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट करने के बाद बटन टाँकें। बटन टाँकने के लिए बटन एक्सटेंडेड वाले पार्ट पर 3-3 इंच पर मार्क कर लें। अब ऊपर वाले पार्ट पर बटन होल बनाएं और नीचे वाले पार्ट पर बटन टाँक लें। मैं यहाँ पर एक बटन और एक बटन होल हैंड से बनाकर दिखाऊंगी। आप चाहे तो बटन होल मशीन से बना सकते हैं। अब यह बटन स्टिच हो चुका है। अब ऊपर वाले पार्ट पर बटन होल बनाएंगे। बटन होल बनाने के लिए ऊपर वाले बटन एक्सटेंडेड वाले पार्ट को नीचे वाले से मिलाते हुए रखें और ठीक बटन के ऊपर मार्क कर लें। बटन होल बनाने के लिए मार्क हुए प्लेस को पकड़ें और यहाँ पर इस तरह से कट करें। एक बार जब बटन होल कट कर लें तो बटन डालकर इसका साइज चेक कर लें। साइज चेक करने के बाद बटन होल को इस तरह से स्टिच करें। सेम प्रोसेस से बटन होल के चारों तरफ स्टिच करें। अब यह बटन होल का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। आप चाहें तो बटन होल मशीन के द्वारा बना सकते हैं।
सेम प्रोसेस से बाकी बचे हुए बटन और बटन होल भी बना लें। अब यह शर्ट का स्टिचिंग कंप्लीट हो गया है। यह वीडियो आप सबको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।